वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर का आज का जो सेशन है, क्वेश्चंस के साथ अपन पूरा एनालिसिस डिस्कस करेंगे। कल जो मैंने डिस्कस किया था पूरा, आपके जो वीकली जो अपना एनालिसिस था पूरा, जितने भी क्वेश्चंस आंसर बनते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो वो आपकी जो प्रीवियस क्लासेज हैं वो एक बार संडे को रिवाइज हो जाती है पूरा जो है पूरे वीक का, तो वो क्लास आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने डाले हैं एनालिसिस के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, डेली की क्लासेज देखनी पड़ेगी। तो आप एनालिसिस वैसे देख सकते हैं, और संडे के जो सेशन में आप जो है क्वेश्चंस आंसर देख सकते हैं पूरे वीक के, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वीकली जो है करंट अफेयर वो आप देख सकते हैं जाके, करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आज का जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं क्या एनालिसिस है वो अपन डिस्कस करते हैं। हाल ही में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस सेक्शन को निरस्त किया गया है, तो सेक्शन 66 ये है। अब ये सेक्शन क्या है, इस सेक्शन के तहत ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर लोगों को कारावास की सजा का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सेक्शन को मार्च 2015 में निरस्त कर दिया था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों, अपने पुलिस बलों और सूचना व प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सेक्शन 66A के निरस्त किए जाने के बारे में सूचना दी है। तो ये सेक्शन जो है निरस्त हो गया है। आगे है, भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को दक्षिणी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो है फेजल इस्माइल, जिनको जो है दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल में दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निदेशक चुना गया है। प्रोफेसर इस्माइल को दक्षिण अफ्रीका के लिए कई वार्ताएं करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ तथा यूरोपीय संघ के साथ व्यापार व विकास समझौते के लिए समझौता वार्ता की है। भारतीय मूल के प्रोफेसर इस्माइल को दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल में जो है पब्लिक गवर्नेंस का निदेशक चुना गया है, और वे जुलाई 2019 में कार्यभार संभालेंगे। वे 2015 से 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व प्रशासन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्हें 2023 तक पुनः नियुक्त किया गया था। वे यूसीटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी हैं। इससे पहले वे विश्व व्यापार संगठन में एम्बेसडर तथा व्यापार व उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो जो फेजल इस्माइल है इनको नया निदेशक चुना गया है नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का। न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी दर निश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, तो वो है डॉक्टर अनूप सतपंथी, जिनकी अध्यक्षता में जो है विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर अनूप सतपथी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति के राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित करने के लिए रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है। इस विशेषज्ञ समिति को राष्ट्रीय मजदूरी दर निश्चित करने के लिए पद्धति निश्चित करने का कार्य सौंपा गया है गया था और समिति की सिफारिशें यह कि इस प्रकार को रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति ने भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद की 2400 कैलोरी की आवश्यकता को मद्देनजर रखा है। इसमें संतुलित आहार के लिए प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन तथा 30 ग्राम को भी शामिल किया गया है। इस प्रोटीन में भोजन के अलावा कपड़ा, ईंधन, विद्युत, आवास का किराया, शिक्षा, ये सब स्वास्थ्य व्यय तथा परिवहन इत्यादि के खर्चे भी शामिल हैं। समिति ने आवश्यकता आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी जो दर है 375 प्रतिदिन निश्चित करने की अनुशंसा की है। इस समिति ने शहरी श्रमिकों के लिए अतिरिक्त आवास क्रिया औसतन 55 रुपये प्रतिदिन निश्चित किया है। इस समिति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग पैमाना भी निश्चित किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए समिति ने भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद की 2400 कैलोरी की आवश्यकता को मद्देनजर रखा, और इसमें संतुलित आहार को जो है 50 ग्राम प्रोटीन तथा 30 ग्राम वसा को भी शामिल किया है। आगे आपकी स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड किस नगर निगम ने जीता, तो रायगढ़ नगर निगम है जिनको स्वास्थ्य एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता है। अंबिकापुर तथा कुंभकोणम के नगर निगम ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पर, दूसरा है अंबिकापुर और तीसरा है कुंभकोणम। वैधानिक नगर की श्रेणी में जसपुर नगर, मलपुरम तथा सूरजपुर की नगर परिषद ने पुरस्कार जीता। मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सम्मानित किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो सम्मानित किया गया। तो स्वास्थ्य एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है, रायगढ़ नगर निगम को, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम को दिया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने बिना GPS की सहायता से चींटी की तरह चलने वाले रोबोट का निर्माण किया, तो वह फ्रांस है जिसने क्या बिना GPS की सहायता से चींटी की तरह चलता है ये रोबोट, जिसका निर्माण किया गया फ्रांस के द्वारा।
फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च यानी CNRS के शोधकर्ताओं ने ही चींटी की तरह चलने वाले एंट बोट का विकास किया है। इसका नाम रखा गया एंट बोट। तो ये भी क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है कि जो फ्रांस ने अभी जो बिना GPS का जो रोबोट बनाया उसका नाम क्या है, एंट बोट है। ये अपने आसपास के माहौल में खोजबीन कर सकता है और बिना GPS की सहायता से घर तक वापस आ सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मरुस्थलीय चींटियों से प्रेरणा ली और जो अकेले ही यात्रा करती हैं। चींटियाँ अपनी अव्यवस्थित पता करने के लिए दूरबीन रोशनी तथा पराबैंगनी रोशनी का उपयोग करती है। यह एंट बोट भी इन चींटियों की तरह ही कार्य करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एंट बोट। इस 6 टांगों वाले रोबोट में ऑप्टिकल कंपास है जिसकी सहायता से ये दूरबीन रोशनी का पता लगाकर अपनी दिशा निश्चित करता है। इसमें सूर्य की दिशा में ऑप्टिकल मूवमेंट सेंसर लगा है जिससे ये तय गई दूरी की गणना करता है। नासा के अपॉर्चुनिटी मास रोवर का 15 वर्षीय मिशन समाप्त हुआ। तो अंतरिक्ष अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में इसे मंगल ग्रह पर भेजे गए अपॉर्चुनिटी मिशन की समाप्ति की घोषणा की है। हाल ही में नासा का अपॉर्चुनिटी मास रोवर से संपर्क कट गया था। इसके बाद अपॉर्चुनिटी मास रोवर से संपर्क स्थापित करने के सभी प्रयास किए गए परंतु संपर्क पुनः स्थापित नहीं हो सके और जो अपॉर्चुनिटी मास रोवर है उसको जो है इसका मिशन समाप्त हो गया है और इसको जो है डेड घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित करने के लिए रिपोर्ट जो है जारी कर दी गई है। अर्ली एड एशिया 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया, आपका जो क्वेश्चन है अर्ली एड जो एशिया 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है। ये हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा पूर्व बचपन सम्मेलन अर्ली एड एशिया 2019 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम हमारे बच्चे हमारा भविष्य थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य एशिया में बचपन की शुरुआत में ही बच्चों को सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। इसका आयोजन अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन इंडिया एंड स्कूनियूज द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया और अध्यापन पर चर्चा की। 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भी इसमें भाग लिया और इससे एशिया यूरोप और अमेरिका के शिक्षाविदों ने भी हिस्सा लिया। भारत में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से संबंधित सबसे बड़ा सम्मेलन था अर्ली एंड एशिया 2019 जिसकी थीम थी हमारे बच्चे हमारा भविष्य और जयपुर में हुआ। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी, तो वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल है जो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। हीना जायसवाल भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई है और अब तक भारतीय वायुसेना के फ्लाइट इंजीनियर केवल पुरुष ही थे। महिलाओं के लिए फ्लाइट इंजीनियरिंग शाखा 2018 में खोला गया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल को भारतीय वायुसेना की इंजीनियरिंग शाखा में जनवरी 2015 में शामिल किया गया था। हीना जायसवाल भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन हेलीकॉप्टर यूनिट में तैनात किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर सियासिन ग्लेशियर तथा अनमार जैसे मुश्किल क्षेत्रों में कार्य करते हैं। फ्लाइट इंजीनियर एयरक्राफ्ट के फ्लाइट क्रू का सदस्य होता है। फ्लाइट इंजीनियर के पास मॉनिटरिंग तथा जटिल सिस्टम से संबंधित कौशल होना चाहिए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल चंडीगढ़ से हैं। उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने UIET पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। तो ये BTech हैं और ये चंडीगढ़ से हैं जिसको पहली भारतीय वायुसेना की महिला फ्लाइट इंजीनियर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। आगे पुरुष एकल वर्ग में 38वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 को किसने जीता, तो सौरभ वर्मा है जिन्होंने ये जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 जीती है। सौरभ वर्मा ने पुरुष एकल वर्ग में 83वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 को जीता। इस प्रतियोगिता के आयोजन असम की गुवाहाटी में किया गया था। फाइनल में उन्होंने लक्ष्य सेन को 21-18 21-13 से पराजित किया। ये सौरभ वर्मा का तीसरा राष्ट्रीय खिताब है जबकि पुरुष युगल वर्ग का खिताब प्रणव जेरी चोपड़ा तथा चिराग सेट्टी ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना तथा कैंसर की गुणवत्ता पूर्ण उपचार के लिए कार्य करना है। कैंसर बच्चों में बहुत बड़ा मृत्यु कारक है और विश्व में प्रतिवर्ष 3 लाख बच्चे जो कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं। गौरतलब है कि निम्न व मध्यम वर्गीय देशों में कैंसर से पीड़ित बच्चों की मृत्यु दर 80% है जबकि विकसित देशों में ये 80% बच्चों का जीवन बच जाता है। इस असमानता को कम करने की जरूरत है का उद्देश्य है कि कैंसर को शीघ्र निदान हो, सस्ती व उच्च गुणवत्ता युक्त जो दवाएं हैं उनको उपलब्ध हो, बेहतर उपचार हो उनका और कैंसर पीड़ित बच्चों की देखभाल अच्छे से हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए।
भारत के पहले अग्रोमेट पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो वो है कर्नाटका। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में नॉर्थ कर्नाटका एग्रोमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के कृषि ज्ञान केंद्र में किया। ये देश में इस प्रकार का पहला केंद्र है। इसके द्वारा आधुनिक तकनीकी को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इस केंद्र का उद्देश्य किसानों को सटीक मौसम के पूर्वानुमान की रिपोर्ट देना है, जिससे कि इनको जो फसल में होने वाला नुकसान है वो नहीं हो और इनको जड़ से इनके पहले से पूर्वानुमान पे ये सतर्क हो जाएं। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास 2019। हाल ही में राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास एक बड़े स्तर के युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2019 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में 140 लड़ाकू विमान तथा हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। इस युद्ध अभ्यास के द्वारा वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल तथा अस्त्र मिसाइल के कार्य पराक्रम को दिखाया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तथा आकाश मिसाइल को पहली बार किसी सैन्य अभ्यास में शामिल किया गया है। ये युद्ध अभ्यास में 137 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसमें सुखोई 30, मिराज 2000, जेगुआर मिग 21, बाइसन मिग 27, मिग 29, IL-78, हरकुलस तथा AN-32 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। वायु शक्ति तथा गगन शक्ति जो है, मतलब कि भारतीय वायुसेना के दो प्रमुख अभ्यास हैं। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास के द्वारा भारतीय वायुसेना के दुश्मन टैंक, राडार स्टेशन, रेलवे यार्ड तथा सैन्य मुख्यालय को ध्वस्त करने का अभ्यास करते हैं। साइना नेहवाल ने जीता महिला एकल वर्ग में 38वां वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब। तो साइना नेहवाल ने पहली एकल वर्ग में 38वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने पीवी सिंधु को सीधे सेंटों में 21-18, 21-15 से पराजित किया। सौरभ वर्मा ने पुरुष एकल वर्ग में 38वीं राष्ट्रीय जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 है वो जीती, और इस प्रतियोगिता का आयोजन असम की गुवाहाटी में किया गया। ये जो है आपके मतलब गर्ल्स में महिला एकल वर्ग में उन्होंने साइना नेहवाल ने जीता और पुरुष एकल वर्ग में सौरभ वर्मा ने जीता है। आगे फ्रांस के शोधकर्ताओं ने बिना जीपीएस की सहायता से चींटी की तरह चलने वाला रोबोट जो है विकसित कर दिया है, जो चींटियों की तरह काम करेगा। इसका नाम है एंटीबॉट। सरकार ने विद्युत वाहन चार्जिंग के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सरकार ने देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग अधोसंरचना को अपग्रेड करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों में मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बायलोज यानी MBBL 2016 तथा शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण व क्रियान्वयन URDPFI दिशा निर्देश 2014 में संशोधन किया है। सड़क अथवा उच्च मार्ग में प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। लंबी दूरी तय करने वाले अथवा हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। केंद्र के अनुसार 2030 तक कुल वाहनों में से 25% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए मजबूत अधोसंरचना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। ये दिशा निर्देश इसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये था अपना आज का करंट अफेयर। तो इसी तरह अपन सीजन लाते रहेंगे और जो और आपकी क्लासेस है वो आप जो अपलोडेड है प्लेलिस्ट के वाइज, जो आपकी रीजनिंग है, मैथ्स की है, सबकी, और सीटेट की क्लासेस चल रही है। तो अगर